जब विष से मीरा माँ को मारने का षड्यंत्र असफल हो गया तो उदाबाई और विक्रमादित्य ने मीरा माँ को मारने का दूसरा षड्यंत्र रचा। कहना ये सारी लौ कीलें अच्छी धारदार तीखी तो है ना? आज रात को मीरा इन लौ कीलों की बिछावन पे सोएगी। इस बिछावन से ऐसा कैसे हो सकता है? बात क्या है? तीखी तीखी लॉक कीले बिछाई थी इस बिछावन पे, और क्या बात हो सकती है? आप कुछ चुभ ही नहीं कीले, और आप इतनी शांति से इस बिछावन पे कैसे लेट सकती है? हमारे साथ ऐसे प्रयास क्यों कर रही है? आप कह रही है कि इसमें एक किले है, मगर देखिए यहाँ तो फूलों की पंखुड़ियाँ हैं। देखिए अपनी आंखों से, ये कैसे हो सकता है? मीराबाई को मारने के दो दो षड्यंत्रों के यूं असफल होने के बाद भी विक्रमादित्य और उदाबाई ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने मीराबाई को मारने का फिर एक अंतिम प्रयास किया। मीराबाई, मीराबाई, आप जैसी परम ज्ञानी कृष्ण भक्त के विरुद्ध आज तक हमने जो जो किया उसके लिए हमें बहुत खेद। मती मारी गई थी हमारी, जो एक के बाद एक पाप होते गए हमसे, किंतु हमसे आज तक जो कुछ भी हुआ हम सच में उसके लिए बहुत दुखी हैं। क्षमा मांगना चाहते हैं आपके कृष्ण से, परंतु वो हमारी क्यों सुनेंगे? इसीलिए मीराबाई, हमारा आपसे विनम्र निवेदन है, यह छोटी सी भेंट हमारी ओर से अपने कृष्ण को चढ़ाइए और हमारे लिए क्षमा याचना मांगिए। शायद हमारा जीवन सफल हो जाए। जी वाह, सुनकर ही आनंद आ गया। इसे कहते हैं जैसे को तैसा। कितने प्रयास किए मीरा माँ को मारने के, परंतु सब के सब असफल है। कहते हैं ना, जब भक्त सच्चा हो और भगवान के प्रति उसका विश्वास अगाध हो तो भक्त को फिर जन्म और मरण की चिंता नहीं रहती। वो सब कुछ छोड़कर हर पल अपनी भक्ति में ही डूबा रहता है, और ऐसे में भगवान को स्वयं भक्त की चिंता करनी होती है। भगवान श्री कृष्ण को भी मीराबाई की सदैव चिंता करनी होती है, परंतु ये तो सर्वविदित है। मनुष्य का सब कुछ बदल सकता है, परंतु उसकी प्रकृति नहीं। उदाबाई और विक्रमादित्य के साथ भी कुछ ऐसा ही था। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वे दोनों चुप नहीं बैठे। मारने के प्रयास असफल हो जाने के बाद उन दोनों ने मीराबाई की पूजा में विघ्न डालने आरंभ कर दिए। इससे मीराबाई इतनी व्यथित हो गई कि उन्होंने
संत तुलसीदास जी को पत्र लिखकर उनसे मार्गदर्शन मांगा कि ऐसी परिस्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए। तो फिर तुलसीदास जी ने उत्तर में क्या कहा? मीराबाई के पत्र के उत्तर में तुलसीदास जी ने ये कहा, जाके प्रिय नराम वैदे सो नर तज कोटि वैरी सरी यद्यपि परम नाते सभी राम के मने तू हृदय सुसंख्य जहां लो अंजन कहां आखी जो फूटे बहुत अखु कहो कहो। तुलसीदास जी राम भक्त थे, इसीलिए उन्होंने मीरा माँ को लिखा कि सच्चा संबंध तो वही है जो श्री राम के संग होए, बाकी सभी संबंध तो भ्रम है, माया है, छलावा है। जिस काजल को आंखों में लगाने से आंख ही फूट जाए, ऐसे काजल को आंखों में लगाना ही क्यों? इसीलिए आप चित्तौड़ छोड़िए, अपने महलों को छोड़िए और अपना समय अपने आराध्य धाम में जाकर उसकी आराधना में लगा, फिर देखना मन और आत्मा दोनों में प्रभु भक्ति की परम संतोषी व्याप्ति। और संत तुलसीदास जी की सलाह मानकर मीराबाई एक बार जो द्वारका आई तो फिर चित्तौड़ वापस कभी नहीं। हमारी रानी माँ अक्सर हमसे कहा करती कि जब से मीरा माता ने चित्तौड़ छोड़ा सौभाग्य नहीं रही, चित्तौड़ से अपना मुंह मोड़ लिया। आपको भी क्या ऐसा ही लगता राजपूत जी? हाँ बाबूजी रानी, वरना चित्तौड़ पर कभी बहादुर शाह का हमला नहीं होता, वरना रानी कर्णावती को 1300 सहस्त्र राजपूत वीरांगनाओं के साथ जौहर नहीं करना। चित्तौड़ से भगवान ने सौभाग्य को हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया, फिर विक्रमादित्य को भी उनके किए का दंड मिला, बनवीर ने उनकी हत्या कर दी। मीराबाई के चित्तौड़ छोड़ते ही काल का चक्र कुछ ऐसा घुमा कि उससे कोई भी नहीं बच पाया बाबूजी। वो तो भला हो उस पन्नाधाय का जिसके अभूतपूर्व बलिदान से आपके पिताजी बच गए, किंतु अपने पूरे प्रयासों के बाद नियति के बदले रंग के सामने हमारे दाजीराज को भी झुकना पड़ा। मेवाड़ की जनता के हित में उन्हें भी शेर शाह को चित्तौड़ किले की चाबी देने जैसा अपमानजनक समझौता करना पड़ा। बदकिस्मती का मनहूस साया। अच्छा, और जानते हुजूर, मेवाड़ की इस दुर्भाग्य की काली आंधी को रोकने का श्रेय किसे देते हैं लोग? मियां तानसेन, जहां तक हमारा ख्याल है तो हम तो यही कहेंगे कि मेवाड़ के बुरे वक्त का अभी तो फकत आगाज हुआ। अच्छा बताओ कौन है वो शख्स? प्रताप साहब। हाँ बाबू, आपने ही चित्तौड़ पर छाए हुए बुरे समय की धारा को सही दिशा, और इसका आरंभ होता है शम्स खान को पराजित कर, फिर आपने बैरम खान को भी, और अब यदि आप मीराबाई को मनाकर चित्तौड़ वापस ले जाने में सफल हो जाते हैं तो देख लीजिए मेवाड़ पर छाए हुए दुर्भाग्य के बादल सदा सदा के लिए छट जाएंगे। हाँ राजपुरोहित जी, हम मीरा माँ के आशीर्वाद से फिर कभी मेवाड़ उस अंधेरे में डूबने नहीं देंगे जहाँ कुछ समय तक अपनी ऐतिहासिक गौरव और कीर्ति को भुलाकर मेवाड़ डूबा था, और इसके लिए हमें मुगल बादशाह के उन सभी सपनों को तार तार करना होगा जो स्वप्न उसने राजपुताने को हत्याने के लिए बुने। राजपुरोहित जी, हमें उस पर ऐसा आघात पहुंचाना है कि जिसके खाव से मुगल बादशाह तो क्या, कोई भी आक्रमणकारी मेवाड़ पर अपनी बुरी दृष्टि डालने का दुस्साहस तक न कर सके। बाबूजी राज, हम द्वारका के सीमा पर खड़े हैं और सूर्यास्त भी होने वाला है, इसलिए मेरा आपको सुझाव है कि कल मीराबाई के दर्शन से पूर्व आज रात को ही ध्यान करके अपने चित्त को प्रसन्न शांत एवं व्यवस्थित कर लें। जो आगे राजपूत जी, हम अपनी इस तीर्थ यात्रा को
एक मुगल के विचारों से दूषित नहीं होने देंगे। कल सुबह सबसे पहले हम आपकी उस मीराबाई से मिलेंगे और आपके उस दावे को कि उनकी शख्सियत में वो रूहानी ताकत है जो हमें भी उनके कदमों में अपना सर खुद ब खुद झुकाने के लिए मजबूर करते हैं, उसे गलत साबित करेंगे और आपके उस मसीहे प्रताप को भी खत्म करके रख देंगे और दोबारा आपको गलत साबित करेंगे। अब कोई भी ताकत राजपुताना को मुगल सल्तनत की जद में आने से नहीं रोक पाए और आपका प्रताप भी राजपुताना को हमसे नहीं बचा पाएगा। हुजूर, ठंड सचमुच नाकाबिले बर्दाश्त हो रही है। हम अभी कुछ लकड़ियों का बंदोबस्त करके आपके लिए तपिश का इंतजाम करते हैं। नहीं, फिजूल में वक्त जाया करना हमें कतई पसंद नहीं। हमें यहीं से दूर एक जलता हुआ अलाव दिख रहा है। जाइए हुजूर। हुजूर, ये क्या कर रहे हैं आप? आपकी इतनी जुर्रत कि आप सल्तनत मुगलिया को रोकने की गुस्ताखी करें? हुजूर, जिस तरह नमाज पढ़ते हुए किसी बंदे को नहीं छेड़ना चाहिए, ठीक उसी प्रकार ध्यान में बैठे किसी व्यक्ति का ध्यान भंग नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है कि जो कोई भी ध्यान में बैठे व्यक्ति का ध्यान भंग करता है, उस पर दुर्भाग्य की काली घटा छा जाती है। इतना तो हम भी देख पा रहे हैं मियां तानसेन। यहां तो फकत एक लड़का बैठा है जो आग के पीछे, जो कोई व्यक्ति एकाग्रचित होकर साधना की मुद्रा में बैठा हो उसे योगी ही कहते हैं। रहने दीजिए इसे अपने ध्यान में और आप चलिए हमारे साथ। आपके सेवक ने आपके लिए अलग से आग तापने का प्रबंध कर रखा है। मियां तानसेन, अगर फिर कभी आपने हमारे फैसलों के बीच में आने की गुस्ताखी की तो आपका सर कलम करने के लिए हम मीराबाई से मिलने का इंतजार नहीं करेंगे। जी हुजूर, किंतु इस समय आप चलिए मेरे साथ। आपको पता है हुजूर कहाँ हैं? डेरे पे नहीं है वे, और इतनी सुबह उठकर तो वे कहीं नहीं जाते। कुछ बता सकते हैं आप उनके बारे में? इतने भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है शमशुद्दीन। तुम्हारे शहंशाह अवश्य मीराबाई से भेंट करने ही गए होंगे। बहुत प्रतीक्षा कर चुके थे ना उनके दर्शनों की, इसीलिए सुबह सुबह उठकर निकल पड़े होंगे। हम सबके जगने से पहले ही बाबूजी राज प्रताप तैयार होकर चले, परंतु इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। वे रात भर सोए ही कहां थे? वे तो रात भर बस भोर होने की प्रतीक्षा में थे कि कब भोर हो और कब वे मीराबाई के दर्शन हेतु जाए। अब तक तो वे द्वारका पहुंच भी गए।
महात्मा का मंदिर कहाँ होगा? और सीधा जाना, फिर बाएं मुड़ना, थोड़ा आगे जाके फिर दाएं मुड़ना। ये मीरा बाई का मंदिर कहाँ है? सीधे जाओ, फिर दाएं, उसके बाद बायां तीसरा मोड़, मुड़ते ही सामने मीरा माँ का मंदिर है। किसी से पूछ लेना। सुनिए काका, क्या आप हमें बता सकते हैं मीरा माँ किस मंदिर में भजन गाती है? हम कब से खोज रहे हैं, मिल ही नहीं रहा हमें वो मंदिर। मीरा माँ का मंदिर जाना है बेटा, यहाँ से सीधा जाओ और दाहिने मुड़ो, सामने ही मीरा माँ का मंदिर है। जी काका। कितना वक्त गुजर गया घूमते घूमते, पर अब तक वो मंदिर नहीं मिला जिसमें मीरा बाई है। आपकी इतनी जुर्रत की आप हमें बेवकूफ बनाए? आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं, अभी समझाते हैं। सच बात तो ये है कि मीरा भाई यहाँ है ही नहीं। आपके कहने पर हम दिल्ली से द्वारका आए, रास्ते में आपके किस्सों पे यकीन भी किया कि मीरा भाई पानी पर चलती हैं, मीरा भाई कांटों वाली पलंग पर महफूज रह सकती हैं, मीरा भाई सांपों को भी फूल बना देती है, मीरा भाई ये, मीरा भाई वो, बल्कि सच बात तो ये है कि ये सब आपके जहनी ख्याल है, ख्याली तसव्वुरात है। आप मेरी बात तो सुनिए, दरअसल एक लफ्ज नहीं सुनना चाहते हम, एक लफ्ज नहीं। बहुत बोल चुके आप, अब तैयार हो जाइए। नतीजा भुगतने के लिए, बहुत बोल चुके आप, अब तैयार हो जाइए। नतीजा भुगतने के लिए, खंजर खींचने से मीरा माँ के मंदिर का पता नहीं चलेगा। मीरा माँ के मंदिर का मार्ग विश्वास और धैर्य से। हमें नसीहत, हमें जब घोड़े को नियंत्रण में रखने नहीं आता तो फिर क्यों करते हो घुड़सवारी? आप इन्हें समझाने की चेष्टा क्यों कर रहे हैं? इन्हें समझ में नहीं आया, इन्हें तो लगता है कि सब कुछ बस बल और क्रोध से ही प्राप्त किया जा सकता। जबकि ऐसा होता तो मीरा माँ की भक्ति और विशुद्ध प्रेम सहस्त्रों का मन नहीं जीत पाता। परंतु ये करुणा और भक्ति की बात इन्हें कहां से समझ में आने वाली? मुफ्त में नसीहत बांटना पेशा है क्या आपका? वैसे नसीहत बांटना हमें भी आता है, बस हमारा तरीका थोड़ा अलग है। दिखाया अपना जलवा। रुकिए, ये क्या कर रहे हैं आप?
से आगे आने दे। तो हमें जानती तक नहीं, फिर भी जहां किसी को आने की अनुमति नहीं है वहां तक आने दिया हमें। हम मात्र एक बात जानते हैं कि यहां बैठे सभी श्रद्धालुओं की तरह उन्हीं की भांति तुम भी यहां काना की इच्छा से ही आया। नहीं माई, हम तो यहां अपनी इच्छा से आए हैं। आज से पहले ना तुमने कभी ऐसा साधारण वस्त्र धारण किया और ना ही कभी ये भूले कि तुम कौन हो। आप सब कुछ जानती है हमारे बारे में। हम नहीं, काना जानते हैं सब कुछ। ये सारा खेल उन्हीं का ही है, वही बनाते हैं, वही चलाते हैं। यहां से जाने के बाद तुम कई सारे रूपों में जियोगे, परंतु तुम्हारा एक रूप यही छूट जाएगा हमारे काना के पास, जिसे कभी कोई मैला नहीं कर सकता है। अपने आंसू पोंछ लो। हो सके तो हमें क्षमा कर देना माई, आपकी पवित्रता और भावपूर्ण संगीत पर संदेह करके और उस पर शर्त लगा के बहुत बड़ा अपराध किया है हमने। क्षमा मांगना ही है तो उनसे मांगे जिनका सर तुम हमारे चरणों पर काट कर चढ़ाने वाले थे। उनके तो हम जीवन भर एहसान मंद रहने वाले हैं। इस पवित्र जगह ने बहुत कुछ दिया है हमें और उसके लिए एक छोटी सी भेंट। हम जानते हैं आप किसी से कुछ नहीं लेते, पर हमारे तरफ से ये एक छोटी सी भेंट आप अपने काना जी के लिए स्वीकार कर। आपकी मौजूदगी में कितना चैन मिला है हमें। रुकिए, आप लोग कहां जा रहे हैं? आप लोग मीरा मां के दर्शन लेके नहीं? आपको अपनी आंखें खोलकर चलना सीख लेना चाहिए, वरना कभी ऐसे टकराओगे कि चूर चूर हो जाओगे। हम आपकी सलाह क्यों माने, जबकि आप तो मीरा मां से साक्षात्कार करने से पहले उनके अस्तित्व तक को स्वीकार नहीं कर रहे थे। संदेह किया आपने उन पर। हम कम से कम इतने खुशकिस्मत तो है ना, जिसे थोड़ा ही सही पर मीरा बाई से मिलने का मौका मिला। अब देखते हैं कि आपको क्या मिलता है इस दर पे। भाई आप तो हमें इतना बता दीजिए कि आप हमें रीवा कब तक ले जा सकते हैं? आप अब कहीं नहीं जा रहे हैं मियां तानसेन, आप जा सकते हैं। क्षमा कीजिए हुजूर, आपके और हमारे बीच का करार तो इतना ही था ना कि हम आपको मीरा मां के दर्शन करवा दें, उनके दैव्य शक्ति का ज्ञान हो जाए आपको तथा आप उसे मान ले। किंतु अब इस गरीब गायक को अपने घर जाने की अनुमति तो मिलनी ही चाहिए ना। कैसे दे दे आपको अपने से दूर जाने की इजाजत मियां तानसेन, बल्कि आपने तो सबसे पहले अपनी दिलकश गायकी से और फिर
अपनी सुलझी जुबान और बेखौफ तबीयत से बांध लिया है हम, और इसलिए आपको हम अपने मुगल दरबार में राज गायक का खिताब अता फरमाते हैं। क्या इतनी बड़ी उपाधि जिले सुभानी? हक बनता है आपका इसका। और आपकी बातों पर जो हमने शक किया उसकी एवज में आप इसे हमारी मुआफी की ख्वाहिश भी समझ सकते हैं। हुजूर, आपसे जो हमें प्राप्त हुआ है वो केवल मीरा माँ के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। किंतु हुजूर, आप भी एक बात समझ लीजिए कि हम केवल अपनी इच्छा तथा पूरी ईमानदारी के साथ गाते हैं। यदि आपने हमें हमारी इच्छा तथा ईमान के विरुद्ध गाने के लिए विवश किया तो हमें अपनी गर्दन उड़वाने से भी अधिक पीड़ा प्राप्त होगी। मंजूर है, तो फिर ठीक है, आपका दिया हुआ ये खिताब सर आंखों पर शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद के दरबार का गायक होने की पदवी मेरे लिए गर्व तथा सौभाग्य की बात है। मैं इसे विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं। अब हम अपने इस नए और सहीन दरबारी के साथ हम निवाला होना चाहेंगे। अवश्य, इसका उचित तथा उत्तम व्यवस्था कहाँ है ये हम बताते हैं आपको। आइए आइए हमारे साथ। देखिए, हमें मीरा माँ से मिलना है, हमारा उनसे मिलना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं चाह के भी आपकी कोई सहायता नहीं कर सकती हूँ। मीरा माँ समाधि में चली गई हैं। इस समय उनकी आत्मा कृष्ण लोक में विचरण कर रही होगी, बहुत दूर इस संसार से परे। और कब समाप्त होगी उनकी ये समाधि, ये तो मीरा माँ ही जाने। तब तक हम इस पावन मंदिर में कोई सेवा कार्य करना चाहते, क्या आप हमें कुछ सुझाव दे सकती हैं? इस मंदिर में प्रतिदिन बहुत सारे भक्तों को मंदिर परिसर में भोजन दिया जाता है, आप चाहें तो इस कार्य में भाग लेकर सेवा कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम ऐसा ही करेंगे। लगता है बदकिस्मती से आपको मीराबाई के दर्शन का मौका नहीं मिल पाया। मीरा माँ के दर्शनों की प्रतीक्षा अधिक सुख और सौभाग्य से हम आप जैसे बदतमीज की सेवा नहीं करेंगे कभी। अगर हम चाहें तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हमारी खिदमत करने से नहीं रोक पाएगी। जितना प्रयास कर सकते कर लीजिए, चाहे तो पूरे संसार का बल लगा कर देख लीजिए। प्रयास करते करते थक जाएंगे और धूल जाएंगे, और फिर अंत में हार मानेंगे आप। और जैसा आप सोच रहे वैसा कभी नहीं। हुजूर, भोजन तो ग्रहण कर लीजिए। मर चुकी है हमारी भूख, और वैसे वैसे हमसे यहाँ का बेस्वाद घास फूस नहीं खाया जाएगा। परंतु यहाँ भोजन में यही सब कुछ मिलेगा। सुना है इस गांव के आसपास हिरण बहुत है जंगल में, हमारा पसंदीदा खाना। और हमें क्या कब खाना है ये हम तय करेंगे, कोई और नहीं। हुजूर, हरे कृष्णा, ऐसे पवित्र धाम पर भी शिकार और मांसाहार जैसी बातें, कितना दुख होगा मीरा भाई को ये सुनकर अपने आसपास जीव हत्या से।
आज उस जिद्दी राजपूत को भी दिखा देते हैं कि क्या होता है असली बहादुर और क्या होती है उसकी कुदरती गिजा। चिंता मत कीजिए आप राजपुरोहित जी, हम अपनी पहचान खुलने नहीं देंगे, परंतु उस बिगड़े हुए व्यक्ति को पाठ तो पढ़ाना ही होगा। सहने की भी तो एक सीमा होती है राजपुरोहित जी, अब उसे प्रेम से समझाने का समय चला गया। जंगल के काफी अंदर आ चुके हैं, लगता है अब जल्दी कोई हिरन हमारे शातिर निशाने का शिकार बनेगा। हमें तो उनका नाम भी नहीं पता, बस हमारे उन तक पहुंचने से पहले वो हिरन उन्हें ना दिख जाए। तक बचोगी तू? बहुत हो गई लुका छुपी, इस बार नहीं बचोगी तू। चीख नहीं सुनाई दी हिरण की?
किसने दुस्साहस किया हमारे तीर को रोकने का? सामने आओ, किसकी भूल है ये? हमारी, हमारी। हमें ये पहले ही समझ जाना चाहिए था कि पूरे द्वारका में किसी को भी इतनी रुचि नहीं है कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, सिवाय आपके। चलिए, आपको इतना तो पता चल ही गया कि जब जब आप कोई अनुचित कार्य करेंगे, तब तब हम आपको रोकने के लिए वहां पहुंच जाएंगे। क्यों पीछा कर रहे हो हमारा? क्या कर, अन्याय देखा ही नहीं जाता। क्यों? आपने नहीं किया कभी शिकार? क्यों नहीं, परंतु ये मीरा माँ की पावन धरती है और हम इस धरती पर आपको अपने मनोरंजन के लिए जीव हत्या करने नहीं देंगे। और यदि हमने आपकी बात ना मानी तो? आप चाहे तो प्रयास कर सकते हैं। ये तो निश्चित है कि आप जो दिख रहे हैं वो है नहीं। हमने स्वयं आपकी तरह निपुण शब्द भेदी तीर चलाने वाला नहीं दिया, तो निश्चित तो ये भी है आप वो नहीं जो दिखाई दे रहे हैं। जिस दिन जान लोगे कि कौन है हम, उस दिन समझ जाओगे कि एक बार हम ठान ले तो दुनिया की कोई भी चीज प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहे बादशाह ही क्यों ना हो, परंतु ये आप भी जानते हैं और हम कि हम आपसे दो बार मिले और दोनों बार हमने उनकी रक्षा की जिन्हें आप हानि पहुंचाने वाले थे, जैसे वो असहाय बच्चा जिसे आपका बेलगाम घोड़ा बस कुचलने ही वाला था, और फिर ये हिरन जिसे आपका तीर मारने ही वाला था। हमारी सलाह मानिए तो अपना अहंकार छोड़ा और अपनी राह पकड़ा। कोई हुक्म नहीं चला सकता हम पे, कोई नहीं। लगता है आज तक आपका किसी साहसी क्षत्रिय से पालन नहीं। मेरे रास्ते से कभी नहीं। ये मीरा माँ की पावन पावन और हम अपनी आंखों के सामने आपको जीव हत्या जैसा पाप नहीं करने देंगे। आपके मन में मीरा माँ के लिए सम्मान है, इसीलिए उचित यही होगा कि आप अपनी मन के सुनके आपने मीरा बाई की बात कर दी, इसलिए ठीक है। यदि आप ऐसा नहीं करते तो आज हमारे बीच लड़ाई आर पार की होती। चिंता मत कीजिए, हमें लगता है कि हमारे बीच लड़ने के कई अवसर हैं। बहुत सम्मान करते हैं हम मीरा बाई का, और इसलिए उन्हीं की धरती पर उन्हीं के आदर्शों के विरुद्ध जाकर उनका अपमान करने की मंशा नहीं थी हमारी। हम तो बस यूं ही मनोरंजन के लिए आए थे शिकार पे। वीरों वाला दूसरा कोई खेल सुझा ही नहीं हमें। तो आइए हमारे हम दिखा देते हैं आपको असली वीरों वाला।
आप पर विश्वास कैसे कर सकते हैं? ये मीरा माँ की धरती है और हम दोनों मीरा माँ का सम्मान करते हैं, इसलिए हम एक दूसरे पर विश्वास भी करते हैं। परंतु एक बार यहाँ से बाहर निकलने के बाद कम से कम हम तो नहीं करेंगे कभी आप पर विश्वास। बुद्धिमान लगते हैं, पर न जाने हमें ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि इस धरती से बाहर नियति हमें एक बार अवश्य मिलाएगी। बोलते हो? हुआ ना ये योद्धा वाला खेल? हाँ हाँ, दम तो है इस खेल में। सुनो सुनो, आप लोगों में से कौन है जो इस अपराजेय अश्वरोही को हराना चाहता है? आओ आगे आओ और स्वीकार करो इसकी चुनौती। आगे आओ, पर ऐसा करने की जो भी सोचे एक बात बता दूं, ये वीर अश्वरोही अभी तक किसी से पराजित नहीं हुआ है। हम स्वीकार करते हैं इनकी चुनौती, हम हराएंगे इसे। आप नहीं, हम हमारे बाद वाह, इतने शक्तिशाली, इतने चप्पल, आपके साथ साथ बहुत ही आनंद आएगा हमारे मित्र। समझ में नहीं आता, शहंशाह को इल्म है कि हम दुश्मन की जमीन पर हैं, फिर वो अपनी जान पर यूं आफत क्यों बुलवा लेते हैं? अपनी हिफाजत की फिक्र किए बिना उन्हें अगले जाने की जरूरत क्या थी? हुजूर, शहंशाह गांव की आड़ में अफगानी घोड़े पे भाले से लड़ने वाला खेल देख रहे हैं। क्या? और बुरी खबर यह है कि वहाँ मेले में चारों ओर अफगानी सिपाही मौजूद हैं। हमें फौरन वहाँ चलना चाहिए, चलो। अभी अब उठे, तुझे जजिया कर तो देना ही पड़ेगा। नहीं था कि मीरा माँ के पवित्र भूमि पर भी जजिया कर देना पड़ेगा। ये महमूद शाह का राज है और यहां अगर किसी का फरमान चलेगा तो हमारे शहंशाह का। सांस लेनी है तो जजिया कर तो देना ही पड़ेगा। और वैसे भी जब से तू द्वारका आया है
हर रोज मीराबाई के मंदिर जाकर भजन भी गाता है। तुम चाहे मेरी खाल खींच लो, पर मैं अपने धर्म पर चलने का कोई कर नहीं दूंगा। खाल खिंचवाने का शौक चल रहा है तुझे? निकल ले, देखो भाग गया वो डर के, देखो भाग गया, भाग रहा है, देखो भाग रहा है। क्यों? क्या हुआ? डर गए? ये बच्चा कहां से आ गया बीच में? छोड़ दीजिए काका को। अरे देखो देखो बच्चे के तेवर तो देखो, बच्चे हम सब डर गए। हमने कहा छोड़ दीजिए काका को। अपने आप को बहुत बड़ा जाबाज योद्धा समझता है तू? सैनिकों पकड़ लो उस कुस्तान बच्चे को। देखते हम सबसे कैसे मुकाबला करते हो तुम। ठीक है, यदि आप सबके विरुद्ध हम अकेले स्वीकार है, परंतु एक शर्त पर, यदि आप सब हमसे लड़ने के बाद हमसे पराजित हो गए तो आप लोग इस मेले में किसी से भी कोई कर नहीं लोगे। फिर भले ही वे कितना ही भजन क्यों ना गाले मीरा माँ के थाम और काका की पगड़ी जो आप लोगों ने उछाल दी है उसे काका के सर पर पूरे सम्मान के साथ रखेंगे। स्वीकार है? मंजूर है। हाँ। सताने जजिया करके नाम से पैसा वसूलने। मारो मारो और मारो 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 उसे मारो। चलो चलो अब करो जो तय हुआ, पहनाओ काका को पगड़ी। जुग जुग जियो। अब फौरन चलकर अहमद शाह को बताते हैं, वही इस लड़के और गांव वालों को ठीक करेंगे। ये हमारी लड़ाई जिसे शुरू करना तो आप जानते थे, पर खत्म करना नहीं। क्या मतलब? किसी भी खेल को अधूरा छोड़ना एक अच्छे खिलाड़ी की पहचान नहीं होती।
और वैसे भी अगर ये यहाँ से बच के निकल जाते तो कुछ ही देर में पूरी अफगान फौज यहाँ आ जाती, और इसलिए हम पे चिल्लाने से बेहतर यही होगा कि अपनी जान बचाने के लिए आप हमें धन्यवाद दें। अपनी कायरता छिपाने के लिए हम पर उपकार का ढोंग मत कीजिए। छल से मारा है आपने इन्हें, पीछे से वार किया, पीछे से वार करने के बजाय सामने से लड़कर मर जाना स्वीकार है हमें। दोबारा कभी ऐसा नहीं, कम से कम हमारे लिए तो कभी नहीं, क्योंकि हम अकेले ही अफगान सेना का सामना कर सकते हैं। बस बस लगता है इन गीदड़ों का शिकार करके आप अपने आप को शेर समझने लगे। अगर दम है तो हमसे करो मुकाबला, अभी पता चल जाएगा कि कौन है हम में से असली वीर। क्यों नहीं, आइए मैदान में। श्रीमान, जो लड़ाई हमने आरंभ की थी उसे हम समाप्त भी करना चाहते हैं। हमें नहीं लड़ना इसके साथ, मुझे नहीं। तो साहिबान, हम इस बच्चे को विजेता घोषित करते हैं। नहीं, इन्हें विजेता घोषित करने से पहले इन्हें हमसे लड़ना होगा। हमें इनकी चुनौती स्वीकार है। हुजूर, हुजूर, हुजूर। ये क्या गजब कर रहे हैं? चलिए यहां से। गायब हुए अफगानी सिपाहियों की खबर तेजी से फैलेगी और कहीं आपकी पहचान का खुलासा ना हो जाए। हुजूर, याद कीजिए, आते वक्त आपने अपनी अम्मी जान को वादा किया था कि किसी भी कीमत पर आप अपनी पहचान छिपा कर रखेंगे। भूल गए? नहीं, याद याद। पर हम एक बार इस लड़के को ललकार चुके हैं, अब पीठ नहीं दिखा सकते। लेकिन हुजूर, जंगल में तो हिरण का शिकार करने से रोक लिया था आपने, पर अब कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ आप खुद ही शिकार बन जाएं। मन लगाकर लड़ना है। इसलिए इसमें से किसी की भी हार जीत नहीं हुई है, दोनों बराबर रहे हैं। अगला चक्र आपका आखिरी चक्र होगा, देखते हैं। दूसरा चक्र शुरू।
सोचा भी नहीं होगा आपने कि ऐसा कुछ होगा। अरे इस लड़के ने तो अभी अभी अकेले अफगान सिपाहियों को पछाड़ा है, देखना ये खेल भी यही जीतेंगे। आखिरी चक्र। अरे अरे ठहरिए ठहरिए, तीसरा चक्कर आरंभ करने से पहले हमारे मित्र को नया भाला तो दीजिए। देखिए उनका भाला तो टूट चुका है। नहीं नहीं, हम इसी टूटे हुए भाले से आपको हराएंगे। ऐसा नहीं चाहिए आपका। हम तो बराबर कर रहे हैं ऐसा, समझ लीजिए ये आप वाले एहसान का उत्तर हुआ। बात बराबर ले लीजिए नया भाला। चलिए इन्हें नया भाला दे दीजिए। तीसरा चक्र शुरू। आप उधर कैसे पहुंच गए? इधर चलिए। ये चाहे उधर से आए चाहे इधर से हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। ये खेल हमारे लिए अब केवल खेल नहीं रह गया है। बन गया है युद्ध। देख लेते हैं इसे भी। Yeah!